13 क्विंटल का कीमत कितना होगा दोस्तों, 84,561.75 रुपए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि गांव में मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा, यानी लागत आएगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अभी तक तो जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। दोस्तों पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि गांव में जो है अवेलेबल जगह होता है, जिसके वजह से अंडरग्राउंड घर नहीं बनाया जाता, मकान नहीं बनाया जाता। मतलब ये है कि लेटरिन बाथरूम अटैच नहीं किया जाता अंदर में, वो बाहर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दो बेडरूम, एक साइड रूम, साइड रूम में सिरिम भी देख सकते हो, तो ऐसे बनाया जाता है। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम जो हम बनाए हैं 26 फीट बाई 22 फीट 12 बाई 11 और 10 बाई 10, ये साइड रूम है, ये दो बेडरूम है और ये बरामदा है। ठीक है, तो इस टाइप से मकान बनाया जाता है। तो मैं इसी के बारे में बताएंगे, ये लगभग जो है 596 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो इसमें कितना लागत आएगा इसी के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो काम होगा, तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में बताएंगे, और इसमें ना केवाड़, खिड़की, ग्रिल वगैरह इस चीज के बारे में नहीं होता, कलर टाइल्स ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क का काम होगा। तो इसमें कितना लागत आएगा ये आप लोग ध्यान से जानिए और पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग समझा कर बताएंगे। और ये समझने के बाद आप लोग घर बनाने में बहुत ही ईजी यानी आसान होगा, और घर बनाने से पहले आप लोग कैलकुलेशन करके ही घर में उतरेंगे तो और भी अच्छा होगा, एक ही बार में जो घर बना करके निकल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों जानिए। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है खर्च क्या आएगा, तो यहाँ मैं लिख चुका हूँ कि एमएम पीस केजी, टोटल केजी अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो बहुत विस्तार से समझिए, ये 12 mm, यहाँ एमएम लिखे तो 12 mm का 54 पीस होगा। ठीक है, इंटू सारे 10 kg, यानी एक पीस का वजन जो होगा सारे 10 kg। ठीक है, तो टोटल अगर गुना करेंगे 54 × 10 kg को, तो 583.200 kg होगा। ठीक है, और 65 रुपया kg के हिसाब से जो है 37,908 रुपया होगा। दोस्तों ये कितना 12 mm का। अब हम लोग बात करते हैं कि 10 mm का कितना पीस लगता है, तो 10 mm का 93 पीस इंटू 6 kg 750 ग्राम एक पीस का वजन होगा, तो क्या होगा टोटल 6 क्विंटल 27 kg.750 ग्राम। अब देखिए इंटू 65 रुपया kg के हिसाब से 40,803.75 रुपया। ठीक है, इतना रुपया होगा। ठीक है, 40,803 रुपये होगा। ठीक है, अब देखिए 8 mm 20 पीस लेगा। अब देखिए 8 mm 20 पीस, तो यहाँ 10 mm जो था वो जाली में लेगा और फिर छत में लेगा। ठीक है, वो जो फाउंडेशन करेंगे पिलर का जाली में लेगा और छत में लेगा। यहाँ 12 mm जो दिखाएं ये कॉलम में भी लेगा, पिलर में, बीम में भी लेगा और छत का बीम में लेगा। ठीक है, अब ये 8 mm जो आता है, ये 8 mm आएगा घर का स्लैब, यानी छज्जा वगैरह, खिड़की का छज्जा, लेंटर, इस सब में आपको लग जाएगा 8 mm का 20 पीस। तो एक पीस का वजन जो है 4.5 kg होगा। ठीक है, 8 mm का एक पीस का वजन जो है 4.5 kg होगा, तो 4.5 kg के हिसाब से 90 kg होता है, इंटू 65 रुपया kg के हिसाब से 5,850 रुपये होगा दोस्तों। ठीक है, तो टोटल अगर इसको क्विंटल टोटल अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये आपका 1300 kg होगा, यानी 13 क्विंटल। तो 13 क्विंटल का कीमत कितना होगा दोस्तों, 84,561.75 रुपये। तो अब इसमें क्या है, 6 mm जो है बीम के लिए लगेगा, तो ये हम जो है पीस के हिसाब से था, तो 6 mm 80 पीस लगेगा, और ये 200 रुपया पर पीस के हिसाब से 16,000 रुपया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आप कंक्रीट जो है 650 लगेंगे, और 70.5 रुपया सेफ्टी के हिसाब से 45,850 रुपया होता है। और देखिए कॉन्क्रीट जो है सेफ्टी के हिसाब से नहीं मिलता है, वो टन के हिसाब से मिलता है, तो टन जो है 30 टन पॉइंट कुछ होता है, 1500 रुपया टन के हिसाब से 45,825 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब सेंड 1000 सेफ्टी लगेगा, 40 रुपया सेफ्टी के हिसाब से, देखिए हमारे यहाँ 40 रुपया सेफ्टी के हिसाब से मिलता है, आप लोग अपना एरिया में कन्वर्ट कर लीजिए क्या है, तो 40 रुपया सेफ्टी के हिसाब से 40,000 रुपया होता है। ठीक है, अब ब्रिक जो है 6,000 लगता है, 6,000 का कीमत जो है 10 रुपये पर पीस के हिसाब से 60,000 रुपया होता है। ठीक है, सीमेंट जो है 250 बैग लगता है, 400 रुपया पर बैग के हिसाब से 1,00,000 रुपये होता है। अब लेबर कॉस्ट जो है ये हम 600 स्क्वायर फीट मान के चले हैं, क्योंकि 4 ही स्क्वायर फीट कम है, तो 600 स्क्वायर फीट का 210 रुपया
स्क्वायर फीट के हिसाब से 1,26,000 रुपया होता है। तो टोटल अमाउंट को अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 4,72,386 रुपया होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बाकी क्या रहा, प्लास्टिक तार काठी, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो नैल काठी को, और तार को वायर बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक, तो ये तीन चीज खरीदने पर लगभग 5,000-7,000 रुपये लग ही जाता है। ठीक है, तो अब अगर उसको लग जाता है तो उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ 72 बताएं, अगर 8,000 लग जाता है तो 4,80,000 होता है। लेकिन एक्चुअल हम इसमें जो है थोड़ा बढ़ा करके ही कैलकुलेशन किए हैं ताकि आप लोग कहीं धोखा नहीं खाएंगे, उससे डाउन में ही आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए ये 4,72,000 है और इसमें एक्स्ट्रा अगर हम 8,000 जोड़ लेते हैं तो 4,80,000 रुपया हो जाएगा। तो 4,80,000 रुपया आपका लगेगा नहीं, आपका लगभग जो साढ़े चार लाख तो लगभग आपका ये प्लान जो है बन जाएगा, यानी घर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही पावरफुल सीख मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।